हेलो फ्रेंड, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ मलारी के दौलत अपील फार्म में। तो गाइज अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे भाई अमीश का पेड़। तो गाइज आज अमीश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम, और अमीश किस औषधि गुणों से भरपूर है, और अमीश का भाई पूरा प्रोसेसिंग देखेंगे किस प्रकार से इसका भाई दवाई बनाया जाता है। तो आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह का होने वाला है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को भाई लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आगे। तो गाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई अमीश का जो पेड़ है, तो ये दौलत अपील फार्म में भाई बहुत सारे हो चुके हैं तैयार, और किस तरह के अमीश हैं आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये देखिए भाई, ये है भाई अमीश। तो गाइज अमीश के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे को दौलत एपल फार्म के ओनर राणा जी। तो राणा जी नमस्कार। नमस्कार। तो मेरे को अभी जानकारी चाहिए थी अमीश के बारे में, तो अमीश के बारे में थोड़ा बता लीजिए कि सी विटामिन युक्त इस पे जो है अमीश लगता है, जिसको हिंदी में चूक भी कहते हैं, लेकिन इसके जो है कई गुण ऐसे हैं कि विटामिन सी का भरपूर मात्रा इस अमीश में होता है, और जो कि श्वास इत्यादि के लिए इसका जो है रस भी काम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो गाइस बगीचे से लेके आ गए हम पूरा अमीश, कुछ इस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं हमारे चाचा जी। और ये देखिए भाई, बहुत मेहनत का वर्क है। तो आज भाई पूरा प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे आग भी लगाया हुआ है मैंने, और पूरा जो भी होगा आज अमीश का जो बनाने की विधि और किस तरह से दवाई निकलता है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो दाने अमीश के दाने छाने जा रहे हैं, इसके बाद इसको जो है कि हल्का बॉईल किया जाएगा, और जो गंदगी उसकी बाहर से होगी वो सब साफ होएगा, फिर उसका छाना जाएगा। अच्छा। आटा छानने के छन्नी से छाना जाएगा, और जो तरल पदार्थ उसका निकलेगा। अच्छा जी। उसको जो है बिल्कुल चूल्हे में रख के एक पतीले में उसको खूब पकाया जाएगा। जब पूरे तरीके से वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसको ये जो है दवाई का काम आता है। ये जिसको खांसी हो रहा है गले में खा भी सकते हैं इसको, और गले के बाहर भी लगा सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, और ये जो है कि सिर्फ इसी एरिया में मिलता है, इसी ऊंचाई पे मिलता है, बाकी नीचे नहीं मिलता है ये। तो ये लगता है कि आज हम लोगों ने आधा काम हमारा होने वाला है। गाइस यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, और इसके बाद का प्रोसेसिंग क्या होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे अमीश को भाई कुछ इस तरह से उबाल दिया है, और अभी थोड़ा और उबाल रहे हैं, और इसको भाई कुछ इस तरह से घुमाना है, और जिससे कि ये पूरा पल्स बन जाए भाई। तो अभी इसको घुमाना है, उसके बाद का प्रोसेसिंग आगे दिखाता हूँ किस तरह को होने वाला है। तो अभी भाई आग में हीट के थ्रू इसे गर्म बॉयल करा हुआ है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो भाई सेकंड स्टेप आप देख रहे होंगे भाई, कुछ इस तरह से भाई निचोड़ नचाड़ के उसको जो बॉयल किया था तो इस तरह से निकाल दिया है हमने बाल्टी में। और ये है भाई लिक्विड भाई, और इस लिक्विड को भाई अब रखेंगे हम इस बदले के ऊपर, और इसे बॉयल करेंगे भाई। बहुत पकाना है, किस तरह का पकाना है वो आगे देखने को मिल जाएगा आपको भाई। इसको मैं डाल देता हूँ कढ़ाई में। तो भाई कुछ इस तरह से है, और आगे देखेंगे भाई इसका कलर पूरा बदल जाएगा। और भाई कढ़ाई में रख दिया है मैंने अभी। तो भाई कुछ इस तरह से भाई उबाला जाता है इसको, और इसको भाई आप जूस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी भाई और ज़्यादा उबलना है, इसने बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा ये, तो भाई इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। तो किस तरह का होगा आप वीडियो में बने रहें भाई। तो गाइज आप देख रहे होंगे भाई अमीश को यहाँ पे उबाल उबाल के भाई कुछ इस तरह से बन चुका है भाई, पेस्ट टाइप का एकदम ब्लैक। तो ये बन चुका है भाई औषधि दवाई। तो ये है, आप इसके बाद इसे ठंडा करने के बाद इसे डब्बे में डाल देंगे। तो अभी दिखाता हूँ किस तरह का ये। तो गाइज आप देख रहे होंगे भाई पूरा प्रोसेसिंग ओके हो चुका है, और अब इसको डाला जा रहा है भाई कांच की शीशी में लॉन्ग टाइम के लिए। तो कुछ इस तरह से, और मेरे हाथ में देख रहे होंगे भाई, ये है भाई वो अमीश का पेस्ट कुछ इस तरह का।
और यहाँ पे एक साथ डाला भी जा रहा है और ये बन के हो चुका है तैयार। इसका टेस्टिंग हो रहा है कितना खतरनाक बन चुका है, अब देखते हैं कितना खतरनाक है। ओ भाई साहब खतरनाक, तो भाई ये खतरनाक बन चुका है भाई, ये है भाई विटामिन सी। तो फाइनली गाइज आप देख रहे होंगे सीसी में भर दिया है और आज भाई पूरा दिन भर का प्रोसेसिंग था ये, तो फाइनली बन चुका है अमेश का, ये अमेश का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है जो कि भाई औषधि गुणों से भरपूर है और आपको मालूम है किस चीज़ के लिए यूज होता है जो कि आपने आगे देख ही दिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए जड़ी बूटी के साथ, बाय बाय।